हे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एएमयू अलीगढ़ क्लास वन के सॉल्व पेपर कैसा होता है। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से बुक्स हैं जो आप अपने बच्चों को देंगे, जिससे उनका एडमिशन होना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, डीपीएस स्कूल हो या कोई भी देश की स्कूल हो, लगभग क्वेश्चन सब में सेम टाइप्स के आती है। तो दोस्तों, आप अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं किसी भी अच्छी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, क्लास फर्स्ट जिसमें है, आपके लिए यह बहुत अच्छा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि क्लास फर्स्ट के लिए किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि सिक्स के लिए, नाइन्थ के लिए, टेंथ के लिए और कंपटीशन के लिए, जैसे बीटेक के लिए जेई है, नीट एमबीबीएस के लिए है, उसी तरह क्लैट है लॉ के लिए, तो ये सब स्टैंडर्ड एग्जाम्स है। लेकिन क्लास वन का कैसा एग्जाम होता है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको पूरा ज्ञान मिलने वाला है, पूरा इल्म मिलने वाला है, पूरा नॉलेज मिलने वाला है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक दो पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके बच्चों का हो जाएगा एडमिशन। आप अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट कीजिएगा, पढ़ाइएगा, उनको दिखाइएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, एएमयू को जब टेस्ट होता है उसमें रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो रिटन टेस्ट का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। रिटन टेस्ट जो होता है वो होता है 85 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, और इंटरव्यू जो होता है वो 15 नंबर का होता है। तो दोस्तों, आपको जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 25 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। मैं इस वीडियो में वही दिखाने वाला हूं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश पे, अर्थमेटिक पे, उर्दू और जीके। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो है इंग्लिश और अर्थमेटिक। बाकी उर्दू जीके नहीं भी आती है तो भी आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। 10% भी मार्क्स आएगा तो बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 10% आप समझ लीजिए 8.5 मार्क्स। अगर 8.5 मार्क्स भी आप लाते हैं तो आपके बच्चों के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला जो पेपर पे लिखा रहता है, आप देख सकते हैं पेपर पे जो लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, आप अपने बच्चों को लिखाइएगा। जैसे 2020 में जो टेस्ट होने वाले हैं क्लास फर्स्ट का, वो होने वाले हैं 15 मार्च को। तो यहां पे आपके बच्चा लिख देगा 15/3/2020। यहां पे डेट लिखनी है, बच्चे का नाम, बच्चे का नाम जो भी हो, एक्स वाई जेड आपको यहां पे लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चे का जो नाम है वो सलमान है, तो सलमान खान, और रोल नंबर जो भी हो, 2, 7, 5 जो भी रोल नंबर है, आप यहां रोल नंबर, बस बच्चे को यही दिखाना है कि यहां पे डेट लिखे, यहां अपना नाम, यहां पे रोल नंबर। डेट नहीं भी आता हो याद तो कोई बात नहीं, नाम रोल नंबर बहुत जरूरी है। बाकी ये जितने भी क्राइटेरिया सब इन्विजिलेटर करेंगे, टेस्ट सेंटर इन्विजिलेटर लिखेंगे, रूम नंबर वो खुद लिखेंगे, सब खुद लिखेंगे। आपके बच्चे को सिर्फ अपना नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो आप इन्विजिलेटर से हेल्प ले सकते हैं। ये 2 घंटे का टेस्ट होता है और मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है। तो दोस्तों, इसमें मैक्सिमम मार्क्स तो 100 लिखा है, लेकिन 85 में ही कंसीडर किया जाएगा। 85 मार्क्स ही आपका रिटन का वेटेज होगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वन हु स्टील इज कॉल्ड, जो चुराते हैं उनको क्या बोलते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, चोर को चुराने वाले जो चीजें होती है, जो चीजें चुराते हैं उनको चोर बोला जाता है। चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थीफ। तो आपके बच्चे को यहां लिखना होगा थीफ, THIEF। उर्दू में भी क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी में भी, सॉरी, उर्दू में और इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। थीफ यहां लिखना होगा। द डे बिफोर सैटरडे, सैटरडे के पहले कौन सा दिन आता है, तो सैटरडे के पहले आता है फ्राइडे, तो FRI फ्राइडे। अगर आपके बच्चे को आप सिखा सकते हैं कि कैपिटल में लिखना तो और भी अच्छा है, यहां THIEF थीफ लिखेगा। गोल्डन टेम्पल इज इन, गोल्डन टेम्पल कहां है, बच्चों को याद है तो आप लिख सकते हैं अमृतसर में, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, RED, रेड बच्चे को लिखा है यहां पे। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक, PEACOCK, ये DPS में भी आपको काम देगा।
जामिया में लॉटरी बेसिस पे होता है, वहां टेस्ट नहीं होता है, बाकी अलीगढ़ में टेस्ट होता है। तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है वो पिकॉक है। उसके बाद वी ऑफर नमाज, नमाज जो ऑफर किया जाता है इस्लाम में वो एक दिन में कितना बार किया जाता है, तो 5 times। यहां पे उनको लिख रहा होगा, 5 लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं, FIVE भी लिख सकते हैं या ऐसे 5 भी लिख सकते हैं, जो भी इच्छा हो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बैरिकेशन नहीं है, राइट। 5 times इन अ डे नमाज होता है। ये मैच करना है 7वां क्वेश्चन। नेशनल एनिमल कौन है, पहला का जो होगा वो सी, ऐसा मैच करना है। फरवरी क्या होता है, फरवरी जो होता है वो 28 या 29 दिन का होता है, तो ये मैच कर देना। आई जो है वो क्या कर सकता है, देख सकता है, तो इसको ऐसे कर देना है। मोबाइल जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ऐसे आपको क्रॉस बच्चे को करवा देना है, राइट। ये सिखा दीजिएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बाकी मैं आपके लिए एक और सेट प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। 2 प्रैक्टिस सेट आप बच्चे को सॉल्व करवाइए, आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अच्छे स्कूल्स में, राइट। अब बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, राइट 2 words स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट ई। ई से जो शुरुआती हो गई कोई सा भी चीज, जैसे ईयर हो गया, आई हो गया, एग हो गया, इमरजेंसी हो गया, एलिफेंट हो गया, सबसे जो आसान है वो आई, ई वाई ई। बच्चे आई आंख याद रखते हैं, आई मतलब आंख, आई यहां पे लिखवा दीजिएगा, और उसके बाद यहां पे लिखा दीजिए एग, ई डबल जी, एग यहां पे, यहां पे आई। तो बच्चा एक बार देखेगा उसको पता चल जाएगा कि कैसे आपका सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन पेपर। यहां पे ई वाई और ई, ये हो गया आई। राइट इन द कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना था, आई एन आई एन के। बच्चे को सिखा दीजिए कि स्मॉलर लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर क्या होता है। कैपिटल से पूछे स्मॉलर में, तो स्मॉलर में लिखवा दें, अगर स्मॉलर से कैपिटल में पूछे तो भी आप लिखवा सकते हैं। कैंडल लिखना है तो सी ए एन डी एल ई, कैंडल। उसके बाद कंप्लीट द मिसिंग लेटर, जो 10वां क्वेश्चन है इसमें जो मिसिंग लेटर है उसको कंप्लीट करना है। जैसे ब्लैक इसमें है, बी एल ए सी के, ब्लैक। बच्चे को कलर याद करवा दीजिएगा, बाकी जो बुक्स मैं बताऊंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे लिंक मिलेगा। ये जो बुक है वो बहुत अच्छा एक बुक है, एएमयू बूस्टर का, उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसी को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है, कोई भी बच्चा है उसको ये ज़रूर ये बुक पढ़ानी चाहिए। इसमें मल्टी कलर भी पिक्चर्स है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इसमें देखिए फ्रॉग, एफ आर ओ और जी, फ्रॉग, यहाँ पे ओ बच्चा लिख देगा। अब 11 क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर। करेक्ट स्पेलिंग देना है, बैलून का करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ये है, इसको क्या करना है, करेक्ट ये क्या करना है, टिक करना है, तो यहाँ टिक कर देगा। हैट का जो स्पेलिंग, ये तो हेट है, हेट मतलब नफरत और हैट मतलब टोपी, ये है। तो हैट का स्पेलिंग ये सही है, बैलून का स्पेलिंग ये सही है। तो ये हो गया, हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं ये मैच करने में 12वां क्वेश्चन। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, जो कंप्यूटर है वो आपको ये ऐसे कर देना है, मैच करना है। फिर जो ये है फ्रूट्स, इसको ऐसे कर देना है। और एरोप्लेन दोस्तों कहाँ है, ये है डी पे, तो ये ऐसे कर देना। और जो एलिफेंट्स है वो एलिफेंट्स एक नंबर है। तो ये बच्चे को ऐसा सिखा दीजिएगा मैच कराने के लिए, 2-3 सेट अगर वो सॉल्व करेगा तो उसको पता चल जाएगा। बाकी कह रहा है 13 में, राइट द शेप ऑफ द गिवन फिगर। शेप जो है उसको फिगर में लिखना है। तो ये कैसा फिगर है, स्क्वायर नहीं है, ये है एक रेक्टेंगल। जो तिरंगा होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल। तो तिरंगा जो है वो रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिख देगा बच्चा रेक्टेंगल, आर ई सी रेक्टेंगल, टी ए एन जी एल ए रेक्टेंगल। ये है ट्रायंगल, टी आर ए एन जी एल ई, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल का आपको पता है आयत है, ये क्या है, त्रिभुज है, ये है आयत और ये है त्रिभुज, तीन भुजा वाली जो है उसको त्रिभुज बोलते हैं, जिसको ट्रायंगल भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं 14 में, 14 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या है, ऐड करना है, ये जो प्लस सिंबल है इसमें ऐड करें, 3 2 5, 5 1 यहाँ पे 6 रहेगा, 4 4 यहाँ पे 8 और 5 0 0 यहाँ पे 5 रहेगा। तो ये हो गया आपका पहला, 586।
अब देखिए 6 4 10 के जीरो, हाथ में एक आया, 9 1 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, तो ये हो गया 160, कितना हुआ 160 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, 8 3 11 हो गया और 11 में 6 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 का कितना होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, हाथ में एक, एक जो है 7 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 5 15 के 5 हाथ में आया, फिर से एक, एक और 5 6 हो जाएगा, 6 1 7 7 4 11, तो 1157 हो जाएगा इसका आंसर। ये कह रहा है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, घटाना है इसमें, 11 आम में से 4 आम चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो बॉक्स में 7 7, यहाँ पे 40 में से 20 चला जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, बच्चे को लिखना होगा 20, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 20, ये गलत है, यहाँ 7 और 20। अब हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बाकी इसमें है 10 क्वेश्चंस, तो आपको पूरा 25 जो क्वेश्चंस आएगा वो सॉल्व हो गया। ये देखिए ऐसा कहीं भी सिंबल रहे तो जहाँ ये मुंह बड़ा है ये है ग्रेटर, ज़्यादा है, इसको बोलते हैं ज़्यादा, और जिधर ये तीर रहे ये है कम, इधर कम होता है इधर ज़्यादा हो जाता है, और अगर ये इधर है तो जिधर मुंह होएगा उधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर ज़्यादा होगा और इधर हो जाएगा कम, और जहाँ बराबर का सिंबल होगा तो यहाँ जितना बराबर होगा ये बराबर, ये भी हो जाएगा बराबर। तो दोस्तों इसमें देखिए 3 4 कितना होता है, ये 7 होता है, तो ये जो 7 है वो 6 से बड़ा है, तो आपको यहाँ पर जो सिंबल लगानी है वो ऐसे लगानी है, और 4 5 9 है, 9 9 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का सिंबल बच्चे को सिखाना है। राइट इन द वर्ड्स यहाँ पे लिखना है, यह क्या है 25, तो यहाँ पे लिखनी है 20 20 20 20 और 5, इसमें स्पेस कम है तो स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको 5 को ऊपर लिख देता हूँ, 25, यहाँ है 45, FOURTY 40 ऊपर लिख देता हूँ मैं 5, ये हो गया 45, तो 45 हो गया ये आंसर इसका। अब लिखना है राइट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर, 20 के बाद क्या होता है 21, ये सिखाना है कि आफ्टर बिफोर क्या होता है, ये हो गया 21, ये हो गया 38, ये 37 के बाद क्या आएगा 38, तो बच्चों को ये सिखाना है लिखना, 25 45 भी आपको लिखवाना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है राइट तो वहाँ लिखना है वर्ड्स में, वर्ड्स क्या होता है शब्द होता है, और नंबर्स दैट कम्स आफ्टर जो इसके बाद आता है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करना है, इसमें इतना घटाया तो ये आया तो आपको जोड़ देना सीधे, इसमें से ये हो जाएगा 5 1 6 4 2 6, ऐसे प्रैक्टिस करवाना है कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस हो तो इन दोनों को क्या करना है जोड़ के ऊपर लिख देना है। यहाँ पे जोड़ है 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, और 7 में से कितना घटाएंगे कि ये हो जाएगा 2, तो आप देख लेंगे कि 7 में 5 घटाएंगे, इसमें से 7 में से इतना 2 घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ से देख लीजिए ये जो 1 में से इतना घटाएंगे, तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, उसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ कि कैसे आपको करना। अब देख लीजिए इसमें से 6 जो है 6 को 1 में से घटाइए, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो रहेगा वो 5 रहेगा, कितना रहेगा 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 में से 5 जो जाएगा वो 6 जाएगा, ये बच जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, राइट, यहाँ पे 4, तो सिंपल आपको ये घटाना था कि 6 जो है ये 11 होगा तभी ये घटेगा, तो ये जो है आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चों को ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाना है, आपको बस देखना है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप देख लेंगे, और बुक्स मैं आपको बता दिया हूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब 20 वाला जो क्वेश्चन होता है, अ बॉयज हैज़ 20 चॉकलेट्स, एक बॉयज के पास कितना चॉकलेट है 20, ही ईट्स 5 चॉकलेट्स, वो 5 खा गया तो कितना बचा 15, एंड गिव अनदर 5 टू हिज फ्रेंड्स, और 5 किसी दोस्त को भी दे दिया, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट विथ हिम नाउ, 5 खा गया 5 दोस्त को दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बचा 10, कितना बचा 10,
अब 21 जो क्वेश्चन है, देखिए 21 जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा जो नंबर है उसमें सर्किल करना है। तो पहले में देखिए 27 है, 17 है, 20 है, 18 है, 40, तो सबसे जो छोटा है वो 17 है। 21 का जो आंसर है वो 17 है। 20 इसके 21 का दूसरा पार्ट है, इसमें सबसे जो छोटा है वो है 20। देखिए कितना है 20, इसमें जो है 20, 55 बड़ा है, 21 बड़ा है, 31 बड़ा है और 41 भी बड़ा है, तो इसमें 20 जो है वो सबसे छोटा है सर्किल। तो इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए, जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं वही ये कर पाएंगे, अगर जो उर्दू के स्टूडेंट नहीं है वो छोड़ देंगे तो भी मेरिट में आ सकते हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, अगर 10 नंबर भी आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए 22 नंबर का जो सवाल है इसमें है कि अल्फाज को अलग अलग करके लिखना है, तो इसमें है गेंद, गेंद में क्या क्या है आपको, जी आएगा, गाफ आएगा और ये आएगा और नून आएगा और दाल आएगा, तो ये हो जाएगा गेंद, आपको ऐसे सिखाना है गाफ, ये, नून और दाल, तो इससे क्या हो जाएगा गेंद हो जाएगा। अब है पूजा, पूजा में आप देखेंगे कि आपको प लिखना होगा, पूजा में प, उसके बाद वाब होगा तभी तो पू होगा, पू, उसके बाद जे, जीम, उसके बाद अलिफ, तब पूजा होगा। अब जो सवाल कह रहा है कि भारत का कौमी फूल का नाम लिखे, भारत का जो कौमी जो फूल है वो है कमल, कमल, तो ऐसे कमल लिखा जाएगा उर्दू में। अब है किसी भी दो रंग का नाम लिखे, आप दो रंग का नाम लिख सकते हैं, मैं आपको लिख रहा हूं आसान भाषा में, का और ला, काला हो गया, उसके बाद है लाल, लाम अलिफ ला और ला, लाल, दो रंग का नाम लिखना है। अब मिलाकर लिखना है, इसमें देखिए कमल, कमल जो है इसमें मिलाकर लिखना था, क ल म कलम, यहाँ लिखना है क म ल कमल, यहाँ लिखना है सागर, सा ग अर सागर, और इसमें लिखना है अदरक, अ द र क अदरक। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं डीपीएस में, रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जहां भी फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, तो आपके बच्चों को यही सिखानी, इस टाइप्स के क्वेश्चंस, हर जगह इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों एएमयू में जो सिलेबस था कि इसमें रिटन टेस्ट जो आएगा, इसमें इंग्लिश, अर्थमेटिक, हिंदी, उर्दू और जीके भी आता है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू मीडियम के हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपको इंग्लिश और मैथ आना चाहिए बच्चे को, तब उसका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं बुक की तरफ, बुक जो है आप देख सकते हैं जिस बुक से मैंने ये टेस्ट लिया है, आप देख सकते हैं इसमें सेक्शन ए में इंग्लिश है, सेक्शन बी में हिंदी है, सेक्शन सी में उर्दू है, सेक्शन डी में मैथमेटिक्स है, सेक्शन ई में जनरल नॉलेज है, सेक्शन एफ में इंटरव्यू है। तो दोस्तों मैं आपको फर्स्ट सेट बताया हूं, आपको सेकंड सेट भी आज कल मैं बताने वाला हूं। इस बुक जो है उसकी प्राइस 260 रुपया है, और आपको लोकल में आप अलीगढ़ के आसपास है तो ले सकते हैं, वरना आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस होगा अमेजन पे, वहां जाके आप इस बुक को पब्लिश कर दीजिएगा, इस बुक को परचेस कर लीजिएगा। और इसमें देखिए मल्टी कलर में सारे फ्रूट्स हैं और उसके नाम हैं, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, ऐसा बुक आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से एएमयू बूस्टर ने काम किया है। आप देख लीजिए इसमें जैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं, कलर्स होते हैं, उनका रंग भी दिया हुआ है, उसका इंग्लिश नेम, उर्दू नेम और हिंदी नेम भी दिया है। इसके अलावा नोट्स देख लीजिए, नोट्स अब इन्होंने करेंसी साफ साफ लिख दिया है कि 1 रुपीज़ कौन सा है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, खुद पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर बच्चे को पढ़ाइएगा और बच्चे को ये जो टेस्ट है उसको दिलवाइएगा, उसका एडमिशन किसी भी अच्छे स्कूल में हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया बहुत स्टैंडर्ड्स है, बहुत लोग, बड़े लोग भी इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे एक बार में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दूसरा सेट भी तुरंत मैं बताने वाला हूं, इसके साथ इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेगा चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, जय एएमयू।